राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत आमजन में जन जागरूकता को लेकर भिलवाड़ा साइकिल क्लब, भिलवाड़ा परिवहन विभाग एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में एक साइकिल रैली रविवार को निकाली गई। यह जानकारी देते हुए भिलवाड़ा साइकिल क्लब के मीडिया प्रभारी अरुण मुछाल ने बताया कि इस रैली को स्टेशन चौराहे से सुबह 8 बजे भिलवाड़ा साइकिल क्लब के संयोजक तिलोक चंद छाबड़ा द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया गया। रैली की अगुवाई करते हुए भिलवाड़ा में नव पद स्थापित IAS अधिकारी ज्येष्ठा मैत्रेयी, DTO डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर रैली में सबसे आगे पूरे रास्ते साइकिल चलाते हुए निकले। रैली गोलपे और चौराहे, सुभाष मार्केट, भीमगंज थाने, माणिक्य नगर, श्री गेस्ट हाउस, नेहरू रोड, हरिशिवधाम, प्रताप टॉकीज रोड, आजाद चौक होते हुए सूचना केंद्र चौराहे पर संपन्न हुई। रैली में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा से जुड़े बैनर एवं स्लोगन से आमजन को जागरूक किया गया। आज की रैली में साइकिल अभियान से जुड़े ग्रुप, कुल्हड़ ग्रुप, अपना संस्थान, सुमंगल सेवा संस्थान, स्नेह समर्पण संस्थान, लियो यूथ ग्रुप आदि के सदस्य के रूप में भूपेंद्र मोगरा, विनोद मेलाना, लवकुश काबरा, अरुण मुछाल, सुरेश बम, गौरव नागपाल, हस्तिमल भलावा, संदीप तोतला, मनोज तुलसानी, ज्ञान सेन, कृष्ण गोपाल जागिटिया, लीला राम आडवाणी, मोहन गुंडानी, मोनिका गर्ग, ओम प्रकाश काबरा, अमित काबरा, सौरभ मानसिंह का, पंकज मिश्रा, मदन खटोड़, इकबाल सिंह, यश छुरानी, मुकेश कुमावत, परिवहन विभाग के स्टाफ सदस्य आदि सहित अनेक जन शामिल थे। आज 12 वर्ष के बालकों सहित 85 वर्ष तक के बुजुर्ग ने भी साइकिल चलाते हुए रैली में हिस्सा लिया। रैली समापन पर अल्पाहार के आयोजन के बाद अरुण मुछाल ने सभी का आभार ज्ञापित किया। मेरा नाम मोजस्विता पारिक है और अभी जो ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2022 चल रहा है, इसके अंतर्गत ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सब लोग साइकिल चला के लोगों में सड़क सुरक्षा के लिए उन्हें बता रहे हैं। और ये जो बहुत ही एक बड़ा ग्लोबल वैश्विक महामारी चल रही है, इसके अंतर्गत एक तो सड़क सुरक्षा का भी हम लोग इसमें लोगों को बता पा रहे हैं और साथ में पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, दो चीज़ें एक साथ हो रही है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये तो। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और अच्छा रहा है आज का दिन, जिसमें सीट बेल्ट एक पे की 18 से कम बच्चे हमेशा साइकिल ही चलाए और हेलमेट पहन के साइकिल चलाए और इवन व्हीकल्स में भी हेलमेट पहने और बिना लाइसेंस के ड्राइविंग नहीं करें, सीट बेल्ट हमेशा लगाए। थैंक यू। मेरा नाम विशेष यादव है और ये जो सड़क सुरक्षा 2022 चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिससे सारे लोग साइकिल चलाएंगे, इससे जो पॉल्यूशन होगा वो कम होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइकिल चला के अपने स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और लोग ना तो तेज़ गति से वाहन चलाएं और जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी वाहन ना चलाएं। और अगर वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए और कम गति पे वाहन चलाएं। पहली बार आपने देखा होगा अगर सड़कों की 100 किलोमीटर की सड़कें सफाई होगी। अभी शहर में जितने भी जो डिवाइडर के ऊपर जितनी भी घास फूस है, सड़क के किनारे जो है दोनों तरफ किनारे को कहते हैं राइट ऑफ वे, उसमें भी सफाई चल रही है। तो इंजीनियरिंग ड्राइव भी साथ साथ चल रहा है। और फिर इमरजेंसी में जीवनदायिनी प्रशिक्षण दिलाया गया, घायल आदमी को कैसे मदद कराए। और अभी सरकार ने ₹5,000 नगद पुरस्कार देना चालू कर दिया है, तुरंत मिलना फिर 3 दिन में। आपने आज घायल आदमी को ले गया हॉस्पिटल में एंट्री हो, एक ऑनलाइन पोर्टल पे एंट्री होगी, फलां आदमी लाया और इसको इसके ये नाम पता अकाउंट नंबर लिया, जयपुर भेजा, जयपुर से उसके खाते में पैसे आ रहे 5,000। तो ₹5,000 नगद प्रशस्ति पत्र मिला। और साथ ही साथ इस योजना को केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में लागू कर दिया राज्य के बाद में। और केंद्र सरकार ने भी गुड सैमरिटन का अवार्ड चालू कर दिया ₹1,00,000 नगद का, जो 10-15 लोगों की मदद कर देता है साल भर में। तो उसको अगर राज्य सरकार भेजती है तो ₹1,00,000 का अवार्ड चल कर दे। अब इतना करने के बाद भी कोई घायलों की मदद कर ली है तो इसे कहते हैं इमरजेंसी ड्राइव, एक्सीडेंट होने के बाद। तो आप सबसे एक तो निवेदन है कि एक्सीडेंट होने के बाद जो तत्काल घायल की मदद कैसे करते हैं, खून कैसे रोकते हैं, उसको उठा के कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, गाड़ी में कैसे रखते हैं, सड़क के किनारे एक्सीडेंट हुआ तो उसको किनारे कैसे रखते हैं, हॉस्पिटल तक कैसे ले जाते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट रेस्पॉन्डर। क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक को फर्स्ट रेस्पॉन्डर होना चाहिए, ताकि कहीं भी नजर आए एक्सीडेंट हो मदद करने लग जाए। और मदद आदमी को जब अस्पताल ले जाते तो और उल्टा इनाम और मिल रहा, प्रशस्ति पत्र मिल रहा। तो इस अभियान से आप जुड़े हैं और आज साइकिल क्लब का बहुत ही सहयोग रहता है हमेशा, इसलिए पुनः आप सब पूरे जो बुजुर्गण हैं, छाबड़ा साहब हैं, अरुण जी हैं, भूपेंद्र जी और जितने भी आप सब लोग, कांतिलाल जी और साहब और ये जितने भी NGOs हैं सब लोग, तो मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ।